बॉलीवुड के कृपामय योगदान की बदौलत एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से ही शत्रु के पैर कांपने लगते थे, जिसने अपने जीवन के 20 वर्ष के कार्यकाल में 40 से अधिक युद्ध लड़े और सदैव अजेय रहा। जीवन पर्यंत निरंतर युद्ध भूमि में डटे ऐसे अद्वितीय योद्धा की छवि आज हमारे मस्तिष्क में मात्र एक विषादी प्रेमी की तरह ही उभर आती है। आइए आज हम उनके फिल्मी नहीं परंतु वास्तविक जीवन के पन्नों को पढ़ें। 17 अप्रैल 1720 19 वर्षीय नवयुवक के समक्ष एक ऐसी विकट परिस्थिति, जहां एक ओर पूर्व पेशवा पिताजी बालाजी विश्वनाथ के निधन का गहन दुख और दूसरी ओर राज्यसभा में उपस्थित उम्र और अनुभव में कई बड़े सभापतियों के विरोध के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र छत्रपति शाहूजी द्वारा मात्र अपनी अनन्य प्रतिभा के आधार पर ही स्वयं का पेशवा यानी प्रधानमंत्री पद पर आसीन किए जाने का गर्व। 18 अगस्त वर्ष 1700 के दिन माता राधाबाई की कोख से जन्मे वह नवयुवक यानी वीर बाजीराव बल्लाड़ भट्ट, उनके छोटे भाई का नाम था चिमाजी अप्पा और उनकी पत्नी थी काशीबाई। माता राधाबाई तथा पिताजी बालाजी विश्वनाथ की शिक्षा संस्कार तथा बचपन से ही पिताजी के साथ धधकते सूर्य के ताप में तपकर युद्ध भूमि के अनुभव से बाजीराव का व्यक्तित्व और तेजस्वी हो गया था। वर्ष 1720 के कालखंड दरमियान राष्ट्र की राजनैतिक परिस्थितियां कुछ भिन्न दिखती थी। उत्तर और दक्षिण का बड़ा भूभाग मुगलों के अधीन था। वर्ष 1723 में दक्षिण के मुगल सूबेदार निजाम उल मुल्क ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से विद्रोह कर दिया था और दक्षिण हैदराबाद के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार घोषित कर दिया था। उस ओर वर्ष 1720 में मात्र 19 वर्ष की आयु में पेशवा बनने के बाद विकट परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते धैर्य से शिवाजी महाराज के स्वप्न को पूर्ण करने का प्रण ले बाजीराव ने अपना कार्य आरंभ किया। पूर्व पेशवा द्वारा की गई संधियों के बाद भी कई प्रांत कर के रूप में चौथ और सरदेशमुखी का भुगतान नहीं कर रहे थे। मराठाओं के पास पर्याप्त धनराशि का अभाव हो गया था। अब बाजीराव ने दक्षिण के निजाम से युद्ध के बाद संधि कर ली ताकि निजाम उत्तर में उनके हिंदवी साम्राज्य के विस्तार के बीच अपनी टांग न अड़ाए और तब सतारा के आसपास के नासिक वराड खानदेश जैसे प्रांतों को युद्ध तथा कूटनीति से अपने अधिकार में कर वसूली से आर्थिक रूप से मराठा सेना को सशक्त करने के बाद अगस्त 1727 में वे कर्नाटक की ओर मुड़े और यह समाचार मिलने पर निजाम ने बाजीराव के पुणे से दूर होने के इस समय का लाभ उठा वह पुणे पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में लेने के लिए पुणे की ओर अपनी बड़ी सेना तथा तोपखाना लेकर कूच करने लगा। परंतु अब उसका पाला बाजीराव से पड़ा था। बाजीराव ने निजाम को सबक सिखाने का निर्णय ले योजना के पहले पड़ाव के अनुसार उन्होंने अपनी सेना के साथ पुणे की ओर बढ़ने की खबर फैलाई और निजाम ने जल्द से जल्द पुणे छोड़ने का निर्णय लिया। उस हड़बड़ी में उसका भारी भरकम तोपखाना पीछे छूट गया और मराठों ने उस पर अधिकार कर लिया। उस ओर बाजीराव ने फिर से औरंगाबाद की ओर बढ़ आक्रमण करने की खबर फैलाई और यह सूचना मिलने पर निजाम ने अपने अत्यंत महत्वपूर्ण नगर औरंगाबाद को बचाने के लिए अपनी सेना के साथ वह उस ओर मुड़ा और तब तक तो बाजीराव ने जालना वासीम जैसे प्रांतों पर अधिकार कर लिया था ताकि उन नगरों से निजाम को कोई भी मदद मिल ना पाए और बाजीराव बुरहानपुर की ओर मुड़ गए। खबर फैला दी कि बाजीराव बुरहानपुर पर आक्रमण करने वाले हैं। निजाम फिर से अपनी सेना के साथ बुरहानपुर को बचाने के लिए वहां की ओर भागा और तब तक तो वे गुजरात भरूच पहुंच गए थे। अब निजाम को बाजीराव की चाल का अनुमान आ चुका था। बाजीराव निजाम को गुमराह कर रहे थे और निजाम अपनी भागती हुई सेना के साथ औरंगाबाद की ओर वापस मुड़ा और इसी के साथ बाजीराव की योजना का एक पड़ाव सफल रहा। यही तो चाहते थे बाजीराव। बाजीराव के गुजरात में होने की खबर से निजाम और उसकी थकी हुई सेना ने रास्ते में पालखेर पर विश्राम के लिए डेरा डाला। उसने सोचा कि बाजीराव का गुजरात से यहाँ इतनी जल्दी पहुँच पाना असंभव ही है और जब तक वह यहाँ पहुँचेगा तब तक तो हम औरंगाबाद पहुँच चुके होंगे।
परंतु बाजीराव तो पवन गति से सेना के साथ गुजरात से सीधा पालखेड़ पहुँचे और गोदावरी नदी जो निजाम की सेना के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी उसे घेर लिया। आसपास के गांव से सेना के लिए मदद काट दी गई। ऐसे अचानक हुए आक्रमण से निजाम स्तब्ध रह गया। उसकी सेना की संख्या के बल पर 10 दिनों तक युद्ध तो चला, परंतु अंत में पानी की कमी के कारण निजाम के अनेकों सैनिक मरने लगे और निजाम बाजीराव की शरण में आया और 6 मार्च 1728 को दोनों पक्षों के बीच संधि की गई, जिसमें मराठाओं का कर वसूली अधिकार, शाहूजी महाराज को छत्रपति की स्वीकृति तथा मराठों के सामने फिर से आंख उठाकर न देखने का वचन प्रमुख शर्तें थी। निजाम ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर तो किए, परंतु उसके मुख पर क्रोध तथा प्रतिशोध लेने के भाव बाजीराव से छिप ना सके। परंतु इस युद्ध में अनुमान से 1/4 से भी कम समय में ही युद्ध भूमि पहुँच शत्रु को घेर लेना, अपनी विशाल सेना के साथ इतनी गति से आगे बढ़ना बाजीराव के लिए कैसे संभव था? क्या थी उनकी युद्ध नीति? बाजीराव की सेना में मात्र घुड़सवार होते थे, औसतन 2 घुड़सवार के साथ 3 अतिरिक्त घोड़े होते थे जो बिना सवार के ही दौड़ते थे। सवार वाले घोड़े जब थक जाते तब उनकी अदला बदली कर दी जाती, जिससे बाजीराव की सेना की गति इतनी बढ़ जाती कि वह शत्रु सेना की गति की 1/4 से भी कम समय में रण क्षेत्र में पहुँच दुश्मन को अचंभित कर देती। दुश्मन को कुछ समझ में आए उससे पहले ही आक्रमण हो जाता था। बाजीराव की सेना में मात्र सैनिक ही होते थे, ना ही कोई सेवक, ना ही मुगलों की सेना की भांति जनाना यानी औरतें, ना ही खाने का सामान। खाने की व्यवस्था भी वे आसपास के गांव से कर लेते थे। उनके पास ना ही अतिरिक्त शिविर लगाने का सामान रहता था, 2 चद्दरों से ही वे अपना काम चला लेते। हल्के परंतु असरदार हथियार अपने कपड़ों तथा कवच में छिपाए और लटकाए रखते थे। रण क्षेत्र में पहुँच शत्रु को घेर खाना पाने की चीजों की नाकाबंदी कर उसके साथियों से संपर्क काट देते थे। उनका अत्यंत प्रभावी, सतर्क और विश्वास पात्र गुप्तचर तंत्र उनकी बड़ी शक्ति थी और बाजीराव का नेतृत्व तथा दम्य साहस के साथ रण क्षेत्र में उनकी उपस्थिति यानी युद्ध में विजय का पर्याय। अब पालखेड़ के युद्ध के बाद अक्टूबर 1728 में चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठाओं द्वारा मालवा पर किए गए आक्रमण में वहां के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर मारे गए और राजनीतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मालवा पर कर वसूली का अधिकार प्राप्त किया। उस ओर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया था और मुगल निरंतर बुंदेलखंड पर आक्रमण करते रहते थे। उस बीच मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया और छत्रसाल ने सहायता के लिए बाजीराव को संदेश भेजा। तब बाजीराव गढ़ामंडला स्थान पर भोजन कर रहे थे। उन्हें संदेश मिलने पर वे बीच में ही भोजन छोड़ शिवाजी महाराज के राजपूतों की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने के वचन पालन के लिए उठ खड़े हुए और तुरंत बुंदेलखंड की ओर वायु वेग से पहुँच बंगश की सेना पर टूट पड़े और उसे परास्त किया। ऐसे युद्ध की घड़ी में बाजीराव की सहायता से अत्यंत खुश हो छत्रसाल ने उन्हें अपना पुत्र मान राज्य की 1/3 संपत्ति भेंट दी तथा अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव से करवाया। बाजीराव ने भी राजनैतिक कारणों से विवाह मान्य रखा। उनका एक पुत्र भी हुआ शमशेर बहादुर। वर्ष 1740 में मस्तानी की संभवतः आत्महत्या करने के बाद बाजीराव की प्रथम पत्नी काशीबाई ने अपने 2 पुत्र नाना साहेब और रघुनाथ राव की भांति ही शमशेर बहादुर का पालन पोषण किया और बालिग होने पर उनके अधिकार की जागीर तथा संपत्ति भी उन्हें दी थी। अब पालखेड़, मालवा, बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण जीत के बाद मुगलों में बाजीराव का खौफ फैल गया था। गुजरात में भी मुगल सूबेदार के तौर पर कार्यरत सरबुलंद खान, अभय सिंह और उसके बाद सवाई जय सिंह के द्वारा भी गुजरात में मराठाओं के कर वसूली के अधिकार को मान्यता दी गई थी, जिससे नाराज होकर मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को हटाकर बंगश को वहां कर वसूली करने की जिम्मेदारी दी। समृद्ध गुजरात पर कर वसूली का अधिकार दोनों ही पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और तब मुगलों की 40,000 की सेना को
बाजीराव की 25,000 की सेना ने अपनी अद्भुत युद्ध नीति तथा शौर्य के बल पर परास्त कर दिया और वर्ष 1731 में गुजरात पर अधिकार कर लिया। उस ओर व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट कोंकण प्रदेश को भी चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठाओं ने जंजीरा के सीधी से जीत लिया था। गुजरात मालवा के कई क्षेत्रों से संधि के बाद भी कर मराठाओं को नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से अब बाजीराव ने कर वसूली सीधा दिल्ली के बादशाह से करने की योजना बनाई। मराठा सेना की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत खान को विशाल सेना के साथ भोपाल की ओर कूच करने का आदेश दिया और जब तक वह वहां पहुंचता तब तक तो बाजीराव अन्य रास्ते से दिल्ली पहुंच चुके थे। यह जानकारी मिलने पर मुगल सेनापति सादत खान हक्का बक्का रह गया और दिल्ली की ओर सेना के साथ वापस आने लगा। तब बीच में ही योजना के अनुसार मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया तथा पिलाजी जाधव ने उसे रोक कर रखा। उस ओर बाजीराव ने बादशाह का किला घेर लिया था, किले पर दाना पानी बंद कर दिया था। बाजीराव के एकाएक आगमन से अचंभित बादशाह के हाथ पैर फूल गए और सेनापति को युद्ध करने का आदेश दे स्वयं लाल किले में छिप गया। भयंकर युद्ध हुआ। मुगलों पर मराठा वीरों के हर हर महादेव के नारे हावी हुए और अपनी सेना की अधोगति देख अंत में बादशाह को संधि के लिए सफेद झंडा लहराना पड़ा। पेशवा ने फिर से अपनी तेजी, फुर्ति और युद्ध नीति से बादशाह तक को चकित कर दिया और 28 मार्च 1737 को संधि कर वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसी हार से लज्जित और आग बबूला बादशाह ने पेशवा को किसी भी मूल्य पर हराने का बीड़ा उठाया और उसने दक्कन के निजाम को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया। निजाम यह मौका देख अपनी सेना और तोपखाने के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा और वह अपनी सेना के साथ रास्ते में भोपाल के पास रुका हुआ था। मुगल और निजाम की सेना मिलकर 100 तोपों और 2,00,000 की विशाल सेना एकत्रित हुई थी। उस ओर बाजीराव सतारा के लिए अपने रास्ते पर चल रहे थे, परंतु गुप्तचरों से निजाम की गतिविधियों की सूचना मिलने पर तुरंत ही उन्होंने भोपाल में ही निजाम को घेरने की योजना बनाई। वायु गति से उनकी सेना दौड़ने लगी। अब बाजीराव की सेना भोपाल पहुंच चुकी थी। उन्होंने फिर से पालखेर की योजना दोहराई, वहां पहुंच तापी नदी के पानी के स्रोत पर अधिकार कर घेर लिया। अपनी सेना का ऐसे अचानक से ही बाजीराव से घिरा जाना निजाम के लिए अनपेक्षित था। निजाम बौखला गया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हर हर महादेव के नारे के साथ बढ़ते हुए बुलंद हौसलों से भरपूर मराठाओं को रोकना मुगलों की संगठित सेना के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा था और 8 जनवरी 1738 को फिर से एक बार निजाम ने घुटने टेक दिए। एक बार फिर से संधि की शर्तों के अनुसार 50,00,000 रुपए का दंड भरना पड़ा। मालवा प्रदेश पर छत्रपति का संपूर्ण अधिकार हो गया और निजाम को कुरान पर हाथ रख मराठा साम्राज्य के सामने आंख उठाकर भी न देखने की कसम दिलाई गई। परंतु निजाम की पूछ तो टेढ़ी ही थी। भोपाल के युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद भी निजाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और बाजीराव निजाम को ललकार हैदराबाद की ओर चल पड़े। बीच रास्ते में ही नर्मदा नदी के तट पर रावरखेड़ी नामक स्थान पर ताप घात से अचानक ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शरीर के ताप पर कोई औषधियां असर नहीं कर पा रही थी और कुछ दिनों के बाद 28 अप्रैल 1740 में वह अद्वितीय योद्धा अनंत में विलीन हो गया। मन, बुद्धि तथा शरीर से निरंतर युद्ध भूमि में अड़िग, सदा ही घावों से भरे रक्त में रंजीत शरीर के साथ प्रकृति के प्रकोप से भी निरंतर जूझते हुए खुले आकाश के नीचे पथराल भूमि पर अनेकों रात्रि बिता शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के स्वप्न को जी मात्र 20 वर्षों में भारत का मानचित्र बदल कटक से अटक तक भगवा लहरा दिया उस माँ भारती के सपूत ने। महाकाल के आशीर्वाद स्वरूप ऐसे योद्धा को मात्र बाजीराव मस्तानी से नहीं परंतु सीना तान गर्व के साथ पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट के नाम से संबोधित कर उनका उचित सम्मान करना क्या हमारा दायित्व नहीं।